देखते हैं आपको सुनते गानों को लिए इस्लाम का अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय व्लॉग। मैं और आसिम आज आए हैं अलीपुर फ्लाश इस्लामाबाद में, और यहाँ पे जुलूस है और मजलिस होती है 5 मुहर्रम की। तो पहले हम अपने वो डलियाला में थे, वहाँ पे हमने सिविल की ड्यूटी की, और अब हम इधर आए हैं इधर जुलूस में हाज़िरी देंगे इंशाल्लाह, और आपको दिखाता हूँ विजुअल्स। और इससे पहले कि बाकी आप बातचीत हो, लाइक और सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है। ये अलीपुर, इधर से जुलूस बरामद होता है। अभी हमने सलामी की है और अभी माशाल्लाह अलीपुर जुलूस और जुलझना टाइम पे जुलूस बाहर निकला है मेन रोड पे। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जुलझना मनाई है। अभी हम अलीपुर इस्लामाबाद जुलूस में मौजूद हैं और यहाँ पे सलामी कर रहे हैं और पुरसा दे रहे हैं यहाँ पे। ये गोजुल जना माशाल्लाह, गाइस घर पहुंच चुका हूं। बस सुबह वही रूटीन होती है, नमाज के बाद नेवल इनकरेज में मजलिस होने के बाद दिन को जो है सबील की ड्यूटी करते हैं हमारी टीम। आज सबील के विजुअल्स आपको नहीं दिखाए, और ज़रा बस जल्दी जल्दी में हमने काम ख़त्म किया, और उसके बाद जो हमारा टाइम होता है ख़त्म करने के बाद सीधा हमने अलीपुर हाज़िरी दी, वहाँ पर इस्लामी की जुलूस तो मगरिब के टाइम ख़त्म होता है, लेकिन हम थोड़ी देर हाज़िरी करके पुरसा दे के वहाँ से मैं और आसिम आ गए थे वापस। तो बस अभी घर पहुँचा हूँ, और बाकी जो 5 मुहर्रम के वाक़ियात हैं वो मैं आपको बताता हूँ। 5 मुहर्रम के जो वाक़ियात थे उनमें से एक तो ये दिन जनाब ओन व मोहम्मद जो हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह के फरजंद थे उनसे भी मनसूब है, उनकी शहादत इस दिन हुई। दोनों कम सिन थे और दोनों ने जो है बहुत अच्छे से जंग लड़ी और कई मरदूदों मलानों को फिनार किया और ख़ुद जाम शहादत नोश फरमाया। और इसके अलावा बाकी फ़ौज जो है करबला में आ रही थी, उम्र साद बुला रहा था मज़ीद ख़त लिख लिख के, जिनमें से 4000 का एक मुख्तलिफ तारीख़ में और 1000 का एक लश्कर, जिनमें 4000 में तीर अंदाज़ भी थे। 72 जो थे करबला में उनका इतना डर खौफ था यजीदी मलून फ़ौज पे कि वो मज़ीद लश्कर बुला रहे थे, और दिन ब दिन आप खुद सोचें कि उस करबला में जंगल और बयाबान में जब फौजी लश्कर आते होंगे तो क्या मंजर होता होगा। तो इस तरह के कुछ हालात व वाक़ियात थे, और बाकी ये है कि सख्त गम के दिन है ये। और कुछ लोग जो हैं वो पता नहीं मुहर्रम में बहुत सी बातें निकाल लेते हैं, तो उनको क्यों नहीं याद आता कि ये नवासा रसूल की शहादत के दिन है और गम के दिन है। कोई पिकनिक पे निकल जाता है, कोई किधर निकल जाता है, उसके अलावा और बहुत सी बातें लोगों को मुहर्रम में क्यों याद आ जाती हैं। बहरहाल आज का कोई ये रूटीन थी मेरी, और उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं न्यू वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। साइनिंग आउट, अल्लाह हाफिज़।